बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली में रियल एस्टेट कारोबारी के पास छापा मारा गया है। इनकम टैक्स के अधिकारियों ने छापामारी की है और इसमें इनकम टैक्स और दिल्ली पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई हुई है और इसमें अधिक जानकारी के हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज सिंह जुड़े हुए हैं। नीरज, क्या ताजा अपडेट है आपके पास? देखिए, मैं बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अलावा दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच है, उन्होंने छापेमारी की है। सुखबीर शौकीन रियल एस्टेट का एक मालिक है, शौकीन रियल एस्टेट, उसके रंगपुरी स्थित कार्यालय में छापा मारा, जहां 64 लाख से ज्यादा की जो करेंसी है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जब्त कर लिया है, जिसमें 11 लाख से ज्यादा की नई करेंसी है। और सबसे बड़ी बात है कि 1 करोड़ 10 लाख के करीब जो ज्वेलरी है वो भी इनकम टैक्स ने बरामद की है। और अभी जो छापेमारी की कार्रवाई है वो भी लगातार चल रही है। इसके अलावा बाकी जो दूसरे बिल्डरों के साथ जो उसके लिंक हैं उसको भी खोजने की कोशिश जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो कर रहा है। और ज्यादा मैं आपको बता दूं कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात की जाए तो दिल्ली के अंदर कई सारे न केवल बिल्डर्स बल्कि कई सारे हवाला जो कारोबारी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से जो एक्सिस बैंक के जो मैनेजर, दो मैनेजर गिरफ्तार किए, उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, पूरे जो एक्सिस बैंक है दिल्ली के अंदर, 4 एक्सिस बैंक है, वहां पर जब पूरे मामले की छानबीन की तो 350 के करीब जो बैंक खाते हैं जिनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देख रहा है इस समय, संदिग्ध तरीके से उसकी कह सकते हैं कि वो खाते हैं, और जिनमें 700 से 800 करोड़ के करीब जो जो रुपयों का जो ट्रांजेक्शन है वो इनलीगल तरीके से हुआ है, उसकी जांच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर रहा है। तो ये कह सकते हैं कि अपने आप में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक बड़ी जो जो खबर है वो निकलकर सामने आ रही है दिल्ली के अंदर से। और आज सुबह ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और दिल्ली पुलिस ने भी जो करोल बाग का एक होटल था वहां से भी 3.5 करोड़ की करीब जो करेंसी है वो सीज की थी, जिस करेंसी को दिल्ली से मुंबई लेके जाया जा रहा था। और पुलिस के और इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं उनका ये कहना था कि जो 5 लोग गिरफ्तार किए गए वो इससे पहले 3-4 बार इतनी ही बड़ी मात्रा में जो करेंसी है वो दिल्ली से मुंबई की ओर लेके जा चुके हैं, यानी कि मुंबई में उनके लिंक है, मुंबई में कोई जो ऑपरेटर है, हवाला ऑपरेटर है, वो इसके काम को अंजाम दे रहा है। बिल्कुल, तो लगातार काले धन के खिलाफ सरकार की कार्रवाई जारी है और इसी का नतीजा हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो खबर आ रही है दिल्ली से, एक बार फिर हमने देखा है करोलबाग से भी कुछ पकड़े गए थे पिछले दिनों, और आज एक बार फिर से इनकम टैक्स और दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं उन्होंने छापेमारी की है रियल एस्टेट के एक घर में और वहाँ से 60 लाख रुपये के नकद बरामद हुई और 1 करोड़ से ज़्यादा के गहने बरामद किए हैं। तो सरकार लगातार काले धन पर अंकुश लगाने की कोशिशों में